राजसमंद से मिल रही है जानकारी, भीम थाना के काचबली गांव में मतदान हो रहा है। दरअसल शराबबंदी के लिए ये मतदान हो रहा है। गांव की महिलाओं ने शराबबंदी की मांग की थी, इसको लेकर कलह हुआ, विवाद हुआ तो मसला पहुंचा वोटिंग तक। वोटिंग में महिलाएं अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कुल 2875 मतदाता हैं और शराबबंदी के लिए 1466 मत चाहिए। बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको बता दें, शायद अपने जैसा ये इकलौता मामला राजसमंद से, जहां भीम थाना के काचबली गांव में मतदान हो रहा है। ये मतदान किसी नेता को चुनने के लिए नहीं, बल्कि इलाके में शराबबंदी के लिए हो रहा है। दरअसल महिलाओं ने इसकी मांग की थी और फिर ये तय हुआ कि वोटिंग के आधार पर, मतदान के आधार पर ये फैसला हो, और इसी के दौरान ये मतदान इस वक्त जारी है। इस पर जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता विनीता पालीवाल से। विनीता, आपने जैसा ये अनोखा मामला, शराबबंदी के लिए अब मतदान हो रहा है, क्या स्थिति इस मतदान की? देखिए, ये जो मतदान है ये सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और शाम को 5 बजे तक, जो देश में पहली बार ऐसा मतदान हो रहा है जिसमें शराबबंदी को रोकने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो इसमें 2-3 संस्थाएं थी उन्होंने भी अपना खूब सहयोग दिया और आज आखिर करके मतदान के बाद तय होगा कि वहाँ शराब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मतदान के लिए महिलाओं में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। विनीता, क्या कह रही है महिलाएं? महिलाओं में वैसे अजब की खुशी भी है कि उनकी जो एक मुहिम थी, जो पहली बार देश के अंदर उनके द्वारा चली गई थी, वो मुहिम आज देखने को मिल रही है। वहाँ मौके पर काफी जागता है और उसके बाद महिलाओं ने एक अलग सी, जो महिला सरपंच है उसने एक अलग पहल दिखाई थी और पहल दिखाने के बाद आज एक उनकी कोशिश जो रंग लाई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनीता, आप नजर बनाए रखें। राजसमंद से ये मामला भीम थाना के काचबली गांव का, जहां इस वक्त मतदान जारी है शराबबंदी के लिए। आपको बता दें कि राजसमंद का ये पूरा मामला है, जहां महिलाओं ने शराबबंदी के लिए पिछले 6 महीने से आंदोलन किया और ये आंदोलन अब आखिरकार अपना रंग दिखा रहा है। सरकार को इलाके में शराब के ठेकों के भविष्य के लिए आज मतदान कराना पड़ रहा है। दरअसल राजसमंद में शराबबंदी के लिए 6 महीने से चल रहे महिलाओं के आंदोलन ने आखिरकार अपना रंग दिखाया है। सरकार को इलाके में शराब के ठेकों के भविष्य के लिए आज मतदान कराना पड़ रहा है, लेकिन इन महिलाओं के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सड़क से लेकर सरकारी दफ्तरों तक इन महिलाओं ने खूब मिन्नतें की, तब कहीं जाकर वोटिंग का फैसला हुआ। लोकतंत्र का तकाजा ही है कि इन महिलाओं की आवाज के आगे प्रशासन और शासन को झुकना पड़ा। इनके 6 महीने के आंदोलन ने सरकार की आंखें खोल दी और इनकी समस्या का हल भी लोकतांत्रिक तरीके से निकालने का फैसला किया गया। शराबबंदी को लेकर आंदोलन कर रही ये महिलाएं राजसमंद के काचबली गांव की हैं। इन्हें अपने गांव और इलाके में शराब के ठेके नहीं चाहिए, इसके लिए इन्होंने शासन और प्रशासन का हर दरवाजा खटखटाया, तब जाकर ये फैसला हुआ कि इलाके में शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं। हमारे यहाँ शराब से बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है। शराब से आए दिन क्या घर में कलेश होता है, पति शराबी पति के कारण महिला भी दुखी है। इन महिलाओं का आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से था, सरकार को ज्ञापन देकर आगाह किया गया, फिर भीम पंचायत समिति इलाके में इसके लिए खुद से मतदान कराया जाए, ताकि ये पता चल सके कि वाकई शराब के ठेके बंद करने के पक्ष में लोग हैं या नहीं, और इसके नतीजे की जानकारी प्रशासन को दी गई है। शराब की वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है, आए दिन बच्चे युवा जो एक्सीडेंट होकर डेथ हो रही है। आगामी टेंडर होने वाला, उसमें शराब का ठेका हो ही नहीं, और डेफिनेटली ठेका अगर बंद हो जाता है, हमारे 5-7 किलोमीटर के रेडियस में कोई ठेका नहीं है, तो उससे हम शराबबंदी में हमारे यहाँ कमी आएगी। मतदान और उसके नतीजे देखकर प्रशासन के कान खड़े हो गए और इससे सरकार को अवगत कराया गया, तब जाकर वोटिंग के लिए 29 मार्च की तारीख मुकर्रर हुई। विनीता, जी मीडिया, राजसमंद।